जो यकीन है कि खास तौर से तेलंगाना में जहां पर हमारे MLAs हैं और जहां पर हम लड़ेंगे, वहां की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की उसके ऊपर हमारा साथ देगी और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा और हम पूरा ताउन करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल हो और सही इलेक्शन स्पिरिट में हो। अब तेलंगाना में कई अलग इश्यूज रहेंगे, राजस्थान में अलग रहेंगे, मगर जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये है, अब तेलंगाना में तो हमको ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोबारा KCR तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी पार्टी के MLAs भी कामयाब होंगे जहाँ जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग लड़ेंगे। जब 2004 से 2012 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की तायीद कर रहे थे तो इनको जब याद नहीं आया ये तमाम अपॉर्चुनिस्ट और ये सूडो सेकुलर लोगों को, जब 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इनका हाथ छोड़ दिए, दामन छोड़ दिए, तो जब असदुद्दीन ओवैसी इनका साथ दिया था, MIM पार्टी ने साथ दिया था न्यूक्लियर डील के वक्त, किरण कुमार रेड्डी अर्सवल आंध्र प्रदेश में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो असेंबली में MIM पार्टी के MLA इनका साथ दिए, प्रणब मुखर्जी के प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया तो किसने कहा था असदुद्दीन ओवैसी को कि जाकर जगनमोहन रेड्डी को जेल में मिलो। नाम बोलूँ सबका मैं, अभी रातों की नींद हराम हो जाएंगे अगर पूरे नाम बोलूँगा तो। ये चलता है, इनकी ये मुनाफिकत है, जिसको अंग्रेजी में तर्जुमा करें तो हिपोक्रेसी है, इन लोगों इनका ये पॉलिटिकल एरोगेंस है और इनकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है इन लोगों।